तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी जैसे नोटिस देख रहे हैं आपने भी देखा, BSSCFSE का जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कैंसल्ड हो चुका है दोस्तों। लेकिन नोटिस कल से काफ़ी वायरल हो रहा है, इसकी क्या रियलिटी है और साथ में हम आपको ऑफिशियली साइट पे भी बताएंगे, यहाँ से आप उस खुद पर्सनली इस नोटिस को चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके डाउट्स हैं इसके पेपर के रिलेटेड कि कैंसिल हुआ नहीं हुआ भाई, बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ भाई बिल्कुल प्रूफ के साथ बनाता हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, जब तक मेरे पास पूरी ओरिजिनल कोई चीज़ ना आ जाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक मेरी वीडियो भाई नहीं आती है। तो ठीक है, तो दोस्तों जैसे इस नोटिस की अगर बात की जाए तो इस नोटिस में सिंपल लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 18 अक्टूबर को हैज़ बीन कैंसल्ड, द रिटर्न एग्ज़ाम विल बी रिकंडक्ट ऑन 8 नवंबर 2020, यानी नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस जो नोटिस में बताया गया है। ठीक है भाई, अब बहुत से भाई बोल रहे थे कि अभी ऑफिशियल साइट पर कुछ नहीं बताया, ये नहीं बताया। मैं आपको भाई ऑफिशियल साइट भी बताऊँगा और आपको उसकी एक अदर साइट बताऊंगा, यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हो। मैंने भी उसी साइट से ये, ठीक है, अब वहाँ से डाउनलोड किया है, तो आप वहाँ से जाकर आराम से इसको देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आपका जो अपने भाई प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने मेहनत जो की भाई, फाइनली इंसाफ हो गया आप लोगों के साथ और आपका फाइनल डेट गवर्नमेंट को BSF को डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपका, वो रिटर्न एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और न्यू डेट आपके लिए आ चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर चलिए हम आपको वेबसाइट भी बता देते हैं भाई, कौन सी वेबसाइट यहाँ पर आप जाके क्लिक कर सकते हो और वहाँ से ऑफिशियली खुद चेक कर सकते हो दोस्तों, वो है जेके अपडेट्स की। ठीक है, जैसे आप जेके अपडेट्स लिखोगे तो आपके सामने ये JNK BSF एंड CSF का रिटर्न एग्ज़ाम कैंसल्ड आ जाएगा। ठीक है, आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगी, आपका रिटर्न एग्ज़ाम जो 18 अक्टूबर का वो कैंसिल होकर अब चला गया है 8 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो अभी है 10-12 दिन आपके पास, फिर से प्रिपेयर करो अच्छी तरह भाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि पीछे जो पैटर्न था कैसे किस हिसाब से एग्ज़ाम का आया था, तो लगभग आप मान के चलो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। इस बार आप अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाना ताकि एग्ज़ाम आपका उससे बढ़िया हो भाई जो पिछली बार हुआ। ठीक है, जो कमियाँ पेशियाँ रह गई हैं पिछली बार एग्ज़ाम में, अब भाई कोई कमी नहीं छोड़ना। ठीक है, आपने पेपर देख लिया हुआ किस हिसाब से पैटर्न आता हुआ, तो दोस्तों उसी अकॉर्डिंग पैटर्न आएगा। लेटेस्ट जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपके सेंटर के रिलेटेड और अदर, तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, ये थी वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कर।